ये मानू डॉन जा रही है, तैयार हुई है ये। मम्मी और मानू जा रही है। मम्मी तो रुकी नहीं रही, कल गई साला सर से आए मैडम, और आज आते ही फिर हासी जाने लग रही है, और फिर एक दो दिनों में फिर अमृतसर का प्लान है। वाह वाह, चढ़ाई तो मम्मी और की है। तो आप ही जाना क्यों? मेरी कॉलेज, तेरे कॉलेज भाई, मुझे यूँ लग रहा है इसकी सिर्फ ऑनलाइन क्लास होनी है, इसका साल यही रहना है। मम्मी की थर्ड क्लास भी शुरू होगी, थर्ड क्लास फर्स्ट से थर्ड बोल। हाँ, और मैं आया कॉलेज में होगी, फिर भी घर पे तू था, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा ही होगा। देखियो तू, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू इन बिटवीन, मैं ना ब्लॉग की स्टार्टिंग करना भूल गया था। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रंजित पंगाला, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वीडियो पसंद लाइक कर दो अभी कभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं कराया तो, तक और कर दिया तो वापस ना करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा भाई, ठीक है? तो चलो एंजॉय करो। नहीं आना होता तो तुम्हें भी बुला लेते, जब बीएससी वगैरह को बुलाया धरना दे देंगे। देख मन से धरना दे गया। मैं तुम्हें शूट करूंगा बहन, मैं तुम्हें व्लॉग में कवर करूंगा। कॉलेज में घुसी, घुसते ही टीचर बैठे पंजाब तो पहला इंप्रेशन यही था। मैं देखिए सही है, किसी दिन मैं पूरा मन बना के आऊँ, आज तो पढ़ूंगी, उसी दिन मैं एग्जाम क्लास में बिठा, क्लास में हम धरने पे जा रहे हैं, उनको मन पड़ाऊंगी। चलो इनको छोड़ के आ जाता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपको। तो मैं मम्मी और को तो छोड़ आया हूँ, फिर मैं आ रहा था तो आते मेरा मन करा कि पॉपकॉर्न खाऊंगा, तो पॉपकॉर्न लेके आया हूँ मैं, मतलब वो एक्टो पॉपकॉर्न लेके आया हूँ। कई दिन हो गए थे यार पॉपकॉर्न बना के खाए, तो आज ये पॉपकॉर्न बनाएंगे फिर खाएंगे। पर सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, और थोर और हेला को अपने पास ऊपर लेके जाऊँगा। थोर तो ऊपर है ही, हेला यहाँ सो रही है, इसको ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि मम्मी और तो नहीं है, तो ये नीचे वाला फ्लोर मैं बंद कर दूंगा, देख सो रही है, और ऊपर ले जाऊंगा। चल हेलो, ऊपर जाना अपन ने। दोस्तों मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया पॉपकॉर्न वाला, भाई मैं भूल गया था। मम्मी मेरी स्पेशल मेरे लिए फेवरेट, मेरी जो ये गट्टा कड़ी बोलते हैं, बेसन की सब्जी होती है, वो बनाई गई है, और ये दही के साथ एक नंबर लगती है, एक नंबर। तो मैं तो यही खाऊंगा, उसके बाद में देखने का, बाद में मन करेगा तो खा लेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया था कि मम्मी को मैं और पापा और मानू मिलके यूं के प्रैंक शूट करेंगे कि भाई हाँ मम्मी, हमें थोर को, मतलब एक बहुत अच्छा ऑफर आया है थोर को सेल करने का। ऑब्वियस सी बात है, हम थोर को सेल नहीं कर सकते, ये बात कभी भी नहीं आ सकती, बट एक आप लोगों ने कई बार प्रैंक करा है ना, कल लिखा है कमेंट्स में कि भाई प्रैंक करो कि भाई थोर को सेल कर दिया, या फिर थोर कोई और एडोप्ट कर लेगा थोर को, तो उस वे में एक प्रैंक बनाते, देखते मम्मी का क्या रिएक्शन होगा। भाई गालियाँ वगैरह सुननी पड़ेगी, मुझे तो 100% लग रहा है भाई, क्योंकि वो मैं पिट सकता हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि यार ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। बट अब मैं आपको बताता हूँ व्लॉग का क्या प्लान होगा, ये अपना प्रैंक का क्या प्लान होगा प्रॉपर। मैं पापा से बात करूंगा अभी फ़ोन पे, पापा को अपनी टीम में ले आऊँगा, फिर मम्मी और मानू को मैं लेने जा रहा हूँ, तो फिर पापा को समझाऊंगा, फिर पापा जब ऑफिस से आएंगे ना तब मैं कैमरा रख दूंगा कहीं, तो वहाँ पे मम्मी को बिठा के सीरियस मोड में कि भाई अब मानू की भी पढ़ाई शुरू हो रही है, फलाना ढिमकाना और बहुत कुछ करके, और थोर का भी बहुत अच्छा ऑफर आया कि ये 3 लाख रुपये में इसकी पैसे आए हैं कि 3 लाख रुपये में हम इसको खरीद लेंगे, तो अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी सही है ये, फलाना ऐसे करके फिर हम बात करते, फिर देखते हैं आगे रिएक्शन क्या होगा मम्मी का, ठीक है? चलो मैं मम्मी को ले आता हूँ और पापा को फोन करता हूँ, अपनी टीम में करता हूँ, ठीक है? चलो हमारे प्लान के साथ ही पापा आ गए हैं, आज सारा धर्मदार आप पे है पापा जी। गजब प्रैंक करना, ऐसे सीरियस मूव के साथ जाना, ठीक है? और फिर ऐसे बुलाना मेरे को और मम्मी को ऊपर, ठीक है? ऐसे मैं ऊपर सेट कराऊंगा अब कैमरा, मेरी टेबल पे रखाऊंगा, और आप लोग बेड पे बैठना, ठीक है? ऊपर वाला पे, हाँ ऊपर ना, लाइट सही है, ठीक है? ठीक ठाक तो है सिस्टम, हैं? ओके। सिस्टम में तेरे इमेज के तस्तर दिए हैं। मैंने तो कुछ नहीं करा। ऐसा है मेरी बात सुन दे। मैं जाऊँ? हैं? मैं तो कोई काम नहीं कर रहा है, उनका काम ये है कि हम जैसे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं तो मैंने थोड़ा प्लान सा शुरू किया है कि अभी फोन और फोन आया था वो मेरा पुराना जान पहचान था और उसकी वीडियो देखता रहता है। उसके बाद आपका ये थोर का बहुत मास्टर था जो भी बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे सर इसको सही करके अच्छा 3 लाख खराब तो सारा नहीं बिल्कुल भी मुझे तो सोचो ना सर को कन्नू बेच देगा कन्नू का भी उसका क्या नहीं यार देखो प्लीज इससे बार मेरे से बात करने की जरूरत है। 3 लाख दे रहे हो? हाँ बिल्कुल हमने भी नहीं बोले मैं 5 लाख नहीं भाई नहीं क्यों ना भाई अरे ऐसे पूछ रहा हूँ तो नहीं बिल्कुल नहीं इस बार मालूम से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं कैसे बच सकते हो आप मैंने आवा हंसिया मेरे बात में नहीं मैं हंसिया जो मेरे को मैं बात ही नहीं करूँ सीधे बनाई दे। अरे मैं और लिया तुम्हारा नहीं कैसे कैसे बात करो बस भाई कैमरा प्रैंक था। अरे मम्मी ठीक है अरे सुनो इसकी इसकी लाश मिलती है यार तीन बीस का के आज 3 बजे मैं आया था 3 बजे मैं लेट रहा था और वो काम वो बस फाइनली आ गई। मैं बोला हेला नीचे दो उसको उठा के मैंने ऊपर बिठा दिया गया बेड के ऊपर और बैठ गया आराम से। थोड़ा को बुला लिया थोड़ा आया तो थोड़ा को उठा के मुझे हमेशा इधर 2 बंदे रख दिया आपने उठा के एक बटे के दनु नीचे उतर लागे पहला है ला वो उसका पता मैं वापस हो जाओ तो तुरंत वापस दर हो गया और हुआ तो उनका बैठ गई जिस तरह मामले मेरे बिल्कुल मैं सो रहा था दोबारा बैठ गई और उसके पास बैठ गई दोनों लग गया कि डायरेक्ट उनको सिग्नल मिल गया कि तुम इसमें तुरंत आ जाओ तो मैं यार तो अच्छी उसका मेरे जो कान में तो लेकिन खर्च करी छोटू फिर मुद्राम को ले मेरा करी वो और करता है हेला अच्छा हेला भी कर रही है आज हेला का भागी और ले लाने को ले तो निकल दो होना पड़ा ये सिर्फ प्रैंक था मम्मी जी ये इसका प्रैंक था वो नहीं मजा करो कम से निकल रहा मम्मी ऑब्वियसली बात है हो ही नहीं मेरे साथ प्लीज देखो मम्मी आप ही ज्यादा वो हमारे फैन आप लोग ज्यादा आपको देखना पसंद करते तो इसलिए हमने आपको चूज करा। फिर कैसा लगा पापा प्रैंक? पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं भैया तो अगर ऐसे ना करता तो तू तेरे ओरिजिनल रिएक्शन आता सीरियस हो के ना मैं हैरान हुआ ये आदमी कैसे 3 लाख के लिए बेच सकता है। और भाई इससे जो पहले बातें करी थी ना कि फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है भाई ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट थी ये सारी। क्यों बेचा ये बेचने के लिए मुझे बे तो मुझे पता नहीं सब और के तो कीमत की बात करें देखो अपने तो भाई बना कर लिए भाई कल वो आगे से सीधी से तुमने इन चीजों के लिए मैं तुम्हारे टीम में नहीं हूँ मैं देखो वैसी बात है होना ही नहीं था ये तो कभी भी नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए तो कभी भी नहीं हो सकता। और ये मैंने ये सोचा था कि तुमने कुछ ऊपर गड़बड़ कर रखी होगी मैं इसलिए टपा टपा के नहीं बनाना भी नहीं था मैं पता नहीं था कि गड़बड़ कर रखी न गंद फंसा रखा होगा। चलो इसी के साथ इस छोटे से प्यारे सी वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा प्रैंक कमेंट सेक्शन में जरूर बता। पापा ने मेरा पूरा साथ दिया पापा गए तो चक्कर सोच में ये भी प्रैंक कर सको तभी प्रैंक ये हमारी लेडी डॉन है इससे कोई पंगा नहीं लेता। चलो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।